Hello friends, welcome to Gates Master. The topic is presentation layer. Presentation layer and its responsibilities. The first and very important responsibility is code conversion. Code conversion means, let's say two machines, M1 and M2. Machine M1 is using ASCII code, means some application which is running on M1, and that application is based on ASCII code. There is another machine M2, and in M2 there is some app, there is some application which is using the APCDIC code. Now, whenever we are sending the data to this machine, or means this particular app application, then it will send the data in ASCII format. So when the data comes in the ASCII format, so how to convert that ASCII into APCDIC code? Because this machine is understanding what APCDIC code. For that we use the presentation layer. And same in this case, if this is sending the data in APCDIC code, but this machine is understanding what? ASCII code. So how to convert APCDIC code to ASCII code, or ASCII code to APCDIC code? For that the presentation layer is used. And this is the major responsibility of the presentation layer, to format the data. Means इससे application layer को help मिल जाती है कि यार application layer पे जो भी data आ रहा है उसको हमने पहले ही format में convert कर दिया, जो भी format में वो application read करना चाहती है, so that कि user को वो data properly visible हो जाए, properly read कर पाए. Second responsibility is encryption and decryption. This is very popular nowadays. Encryption बहुत पहले से भी use हो रहा है, but अब बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं हम, because cyber security का जो है concept बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो वहाँ पे हम use करते हैं encryption and decryption. Means जो data एक मशीन दूसरी मशीन को भेज रही है, या मल्टीपल मशीन्स को भी भेज सकते हैं. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टू मशीन्स, बट यू कैन से लॉट ऑफ मशीन्स आर देयर, बिकॉज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट पे दैट इज ओपन, अगर मैं अपना कुछ डेटा वहां पे भेज रहा हूँ, तो देर आर लॉट ऑफ वर्नेबिलिटीज, देर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स ओवर देयर. अब उस चीज को मुझे वहां पे रिमूव करने के लिए मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी पड़ती है. कॉन्फिडेंशियलिटी मींस नोबडी शुड बी एबल टू रीड माय डेटा. आप जितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, देयर इज स्टिल वन और टू लूप होल्स जो हैकर फाइंड कर सकता है, और वो लूप होल के थ्रू आपके पैकेट्स या आपके डेटा पैकेट्स या आपके डेटा को हैक कर सकता है. लेकिन अगर उसके बावजूद, आपके डेटा को हैक करने के बावजूद अगर वो डेटा को रीड ही ना कर पाए, तो उसको वहां पे कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो वो रीड ना कर पाए कैसे होगा? अगर मैं अपना डेटा एज ए प्लेन टेक्स्ट, मतलब जो डेटा मैंने लिखा है वही डेटा भेज दूंगा, तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा उसको सिंपली रीड कर पाएगा. लेकिन अगर मैं उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजूंगा, तो उस डेटा को कोई भी रीड नहीं कर पाएगा. मतलब मैं एक की से उस डेटा को एनक्रिप्ट कर दूंगा, और जब वो डेटा रिसीवर पे पहुंचेगा, रिसीवर उसी की से, या डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक की, ये सिमेट्रिक की, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल्स फर्दर. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बेसिक सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हम यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज. मतलब जब डेटा को हम सेंड करते हैं ड्यूरिंग द नेटवर्क, और अपनी मशीन में भी हम पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर की. थर्ड इज कंप्रेशन ऑफ डेटा. कंप्रेशन मीन्स समटाइम्स हमारे डेटा में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बिट्स जो है वो रिडंडेंट होती हैं, उन वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं बाय रिमूविंग दैट वैल्यूज़. ऑल दो इट इज़ लिटिल ट्रिकी, जैसे हम जिप फाइल्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या है, जो नॉर्मल फाइल का साइज जो है वो कम हो जाता है. वो क्या करता है, खाली स्पेसिस जो है, या फिर जो आपके मल्टीपल वैल्यूज अगर लिखी हुई हैं, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. तो उससे प्रॉब्लम भी आ सकती है, बिकॉज ये लॉसी भी हो सकता है, लॉसलेस भी हो सकता है. मतलब ऐसा ना हो कि जब आप उस फाइल को दोबारा अनजिप करो, तो वहाँ पे आपको कुछ डेटा का लॉस भी हो जाए. तो दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन. तो डेटा कंप्रेशन का भी बेसिकली फंक्शनैलिटी किसकी है, प्रेजेंटेशन लेयर की. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर. और ये बेसिकली हेल्प करती है अगेन एप्लीकेशन लेयर को, ताकि वो डेटा जो है प्रॉपरली डेटा को प्रेजेंट कर सकें. एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि प्रेजेंटेशन लेयर की कोडिंग भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मतलब उसका कोड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता. ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एप्लीकेशन की. मतलब जिस एप्लीकेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ,
वो एप्लीकेशन जनरली हम अगर आप चेक करोगे सिंपल क्रोम में या फायरफॉक्स में, हम जब कई बार SBI ऑनलाइन बैंकिंग या हम OBC ऑनलाइन बैंकिंग चेक करते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जहाँ पे आप http/OBC या http/SBI.com आ रहा होता है उसके साथ वहाँ पे एक आइकन होगा, उस आइकन पे अगर आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएंगी, सर्टिफिकेट्स की डिटेल आ जाती है कि ये कौन सा इनक्रिप्शन मेथड यूज़ कर रहा है, कौन सा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कौन सी यूज़ कर रहा है। तो मतलब हम डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंट तो करना ही है लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एप्लीकेशन लेयर की, मतलब जो बंदा वो एप्लीकेशन बना रहा है उस एप्लीकेशन बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेजेंटेशन लेयर की कोडिंग वो करे, मतलब जो वो प्रेजेंटेशन लेयर से चाहता है वो खुद डिसाइड करे। किसी ऐप में हो सकता है हमें सारी चीज़ों की जरूरत पड़े, किसी ऐप में हो सकता है मुझे एक या दो चीज़ों की जरूरत पड़े और किसी ऐप में हो सकता है मुझे इन तीनों में से कोई भी फंडा ना यूज़ करना पड़े। सो दैट डिपेंड्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन लेयर की। वो एप्लीकेशन खुद डिसाइड करती है कि मुझे इनमें से कौन सी फंक्शनैलिटीज चाहिए। बट फॉर अ जर्नल से अगर प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में आपसे पूछते हैं तो आप सिंपली ये तीन फंक्शनैलिटीज वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन लेयर। थैंक यू।